वेलकम गाइस टू अवर चैनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी। हमारा पिछला चैनल जो कि आप जानते हैं कि पहले बंद हो चुका है, कुछ कारणों की वजह से पहले ही हमारा चैनल बैन कर दिया गया है। तो हमने एक बार फिर से हमारे चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी है, जो कि मतलब अभी जो अभी हरियाणा में अलग अलग वैकेंसीज निकली है जिनकी तैयारी के लिए हमने चैनल बनाया है। तो आप सबके सपोर्ट की वजह से हमें अपने चैनल को फिर से उसी ग्रोथ पर पहुँचाना है जहाँ पर हम पहले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज से हमारी पहली इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करते हैं जिसका पहला टॉपिक होगा हमारा नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन जो कि हमें सिंपल से डिफाइन हमें पता ही है कि नाउन क्या होता है, कि किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, थिंग, किसी भी एनिमल वगैरह का और किसी भी फीलिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नाउन के हम यहाँ पे पार्ट्स के ऊपर आते हैं। नाउन को हम बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा नाउन आता है वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन, तीसरा हमारा आता है मटेरियल नाउन, फोर्थ हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिफ्थ हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, इस नाम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक नेम, किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस का अगर हमें स्पेसिफिक नेम अगर डिफाइन करना हो तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हमें किसी पर्सन का नाम लेना है तो हम किसी पर्सन को अगर नाम से बुलाते हैं, जैसे कि राम को बुलाना है तो राम उसका प्रॉपर नेम हो गया, प्रॉपर उसका नाम हो गया। किसी प्लेस, जैसे हम दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की तो दिल्ली इंडिया। किसी भी एनिमल का नाम अगर हमने कोई नाम निकाले तो वो सब कुछ किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, हमारे पूरे किसी समुदाय या फिर किसी पूरे के पूरे समूह को या पूरे ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमन नाउन का। जैसे कि फादर, फादर मदर या फिर स्टूडेंट्स या स्टेट से बोल सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे, तो स्टेट वगैरह किसने आए हमारे कॉमन नाउन में। मटेरियल, मटेरियल हमें सीधा नाम से पता चल रहा है, किसी ना किसी मैटर को डिफाइन करता है, जिन चीज़ों से हमारे मैटर्स बनते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ क्या हो गया हमारे मटेरियल नाम में आ गए। और वैसे हमारा ये जो गोल्ड, सिल्वर, आयरन है, ये हम एग्जैक्टली हम इसको प्रॉपर नाम में भी यूज़ कर सकते हैं कि किस टाइप का मटेरियल है। एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि मटेरियल्स के अंदर सिल्वर, सिल्वर का हमें कोई सामान बनवाए तो हम उसे प्रॉपर में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसे मटेरियल नाम में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट हमारा एक और है यहाँ पे कलेक्टिव नाम, कलेक्टिव नाम क्या होता है, जैसे कि हमें अलग अलग किसी भी टाइप के एनिमल्स वगैरह का ग्रुप लेना हो, किसी भी क्लासेस के, जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलेंगे क्लास, क्लासेस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्कूल। वैसे जैसे शिप्स के, शिप्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। तो अलग अलग कलेक्टिव नाम है जिसके हम आपको यहाँ पे 37 टाइप्स के, कल हम आपको यहाँ पे, कल की जो क्लास होगी उसमें हम 37 टाइप्स के जो कलेक्टिव नाउन्स होंगे उनको हम आपको याद करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे हम किसी भी टाइप की क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी हमारी ऑनेस्टी वगैरह है, या फिर जो हम इस पर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ऑनेस्टी, जो हमारी पावर है, जो हमारा चाइल्डहुड है, किसी भी टाइप की एबिलिटी, इन चीज़ों को शो करने के लिए क्या आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, आज हम सिर्फ आपको एक बेसिक चीज करवा रहे हैं, कल हम इसको आपको पूरा डिटेल में नाउन को आगे कल शो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कल डिस्कस करने वाले हो क्या होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके हम आपको 37 टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स, 36-37 टाइप के एग्जाम्पल देंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आने वाले हैं। वैसे तो कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट जो मेन 36-37 है इनके अंदर ही आपके एग्जाम्स में, क्योंकि हमें अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए, तो जितना हमारे पास टाइम है उसके अंदर हमें जितनी प्रिपरेशन करनी है उसके हिसाब से हम आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। तो जैसे कि हम कलेक्टिव नाउन के अभी आपके 37 टाइप्स के एग्जाम्पल याद करवाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे कहाँ कहाँ से इनको निकाला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से निकाला जाता है, एडजेक्टिव्स से निकाला जाता है और
एक्सेप्ट हम तीन टाइप से निकाल देते हैं, वर्ब से इनको ड्रॉ आउट किया जाता है, एक एडजेक्टिव से और तीसरा होता है कॉमन नाउन से। तो इनके तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स हम आपको कल डिफाइन पूरा करके दिखाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाम को हम कहाँ कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, उनको हम वर्ब से डिराइव करते हैं, एडजेक्टिव से डिराइव करते हैं, कॉमन नाउन से डिराइव करते हैं, वो सब कुछ आपको कल की क्लास में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नाउन्स की अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर। अब नाउन की अलग फॉर्म्स है, नाउन को अगर हम क्वांटिटी के अंदर लेके चले, नाउन को अगर हम क्वांटिटी के अंदर लेके चले तो ये होता है सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए हमारे पास लगभग हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे जहां से आपके पास बिल्कुल आसान हो जाएगा कि किस सिंगुलर का क्या प्लूरल हो, क्योंकि इनके अलग अलग रूल्स हैं, किसी का सिंगुलर कभी कन्वर्ट नहीं होता, किसी का प्लूरल कन्वर्ट नहीं होता, या फिर मैं जिस टाइप से हमें सिंगुलर को कन्वर्ट करना है प्लूरल्स के अंदर, तो उनके हम यहाँ पे आपको 23 सिंपल रूल्स करवाने वाले हैं कल। उन 23 सिंपल रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे और उसके बाद जो भी आपके कन्फ्यूजन हो हम आपके सारे कन्फ्यूजन हम लेते रहेंगे, लेकिन जो ये 23 रूल्स हम कल करवाने वाले हैं, तो कल से हमारे साथ आज सिर्फ हम बेसिक क्लासेस लेने वाले हैं, कल से हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी और उन क्लासेस में हम आपको सारे रूल्स, सारे क्वेश्चन जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन देंगे, डाउट्स लेंगे, हम उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। एक डे हम फिक्स कर लेंगे जिस दिन हम आपके पूरे वीक के जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल के लिए हम एक सिंपल दो रूल याद रखते हैं, सिंपल दो रूल ये हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो हम हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किए गए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए गए और हम उन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन उसका क्या है वो रॉन्ग यूज होगा, जैसे कि हम उनका रॉन्ग यूज और राइट यूज हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे रॉन्ग यूज, हम कई बार सेंटेंस में कोई हमसे पूछता है व्हाट्स योर गुड नेम, मतलब आपका शुभ नाम क्या है, जो भी हम हिंदी में बोलते हैं शुभ नाम क्या है, या फिर व्हाट्स योर गुड नेम, उसकी जगह में जो राइट यूज उस सेंटेंस का राइट यूज क्या होना चाहिए, उसका नाम से भी होना चाहिए व्हाट्स योर नेम। गुड नेम का कोई भी रॉन्ग, ये जो गुड नेम हम यूज करते हैं वैसे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, इंडियन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो सेंटेंस बिल्कुल ही राइट नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। इसकी जगह में सिर्फ राइट यूज क्या होता है, सिर्फ हमें नेम व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर गुड नेम बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। इसके बाद जो हम करते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, तो अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू मी, ये जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ही गेव दिस स्टोरी एंड, ये जो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, इसकी जगह हमें बोलना चाहिए इन माय ओपिनियन, मींस टू मी है, मी की जगह हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इन माय ओपिनियन। अगर हम बोले कि यहाँ पे इन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, तो अब इन हिज ओपिनियन, इन हर ओपिनियन, वो सब कुछ चलता रहेगा। इसके बाद जैसे हम कुछ और बोल सकते हैं, जैसे कि एक हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रिज का मतलब है जैसे कि हवा चलना, तो एक तो होता है सिंपल हवाएं चल रही है, बह रही है हवा, और दूसरा होता है जैसे आंधी वगैरह आना, तो वैसे तो हवा के लिए हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं तेज हवाओं के लिए, लेकिन जब वो कुछ ज्यादा तेज होते हैं जिसको हम आंधी का नाम दे देते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ब्रिज यूज नहीं कर सकते, जो कि हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसकी जगह स्ट्रॉन्ग ब्रिज की जगह आएगा हमारा। राइट वर्ड क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। और अगर हम इसकी जगह एक चीज और यूज करके देखें, तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा एक सबसे कॉमन चीज जो हम यूज करते हैं, जो सबसे गलत, सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम कहाँ पे करते हैं, जो कॉमनली हम बोलते हैं, जैसे कि हम रात को सो रहे हैं और किसी को गलत में जो बुरे सपने आ जाते हैं जिनकी वजह से नींद खुल जाती है, तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं कि हमें बैड ड्रीम्स यूज करते वर्ड्स, जो बुरे सपने आते हैं रात को उनके लिए हम वर्ड्स कौन से यूज करते हैं, बैड ड्रीम्स। और इसकी जगह में जो राइट प्रोनाउंसिएशन है इसकी जगह वो हमारे राइट वर्ड क्या है, नाइट मेयर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम बेसिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इस सेंटेंस में रॉन्ग वर्ड को मतलब उसको चेंज करके दिखाओ या फिर रॉन्ग वर्ड जो भी है उसे ठीक करके दिखाओ, तो उसके लिए हमें ये एक रूल तो यही है कि हमें इन वर्ड्स को जो मैं स्पेसिफिक 7-8 वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा कल, तो उन 7-8 वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी एक और है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमें प्लूरल में हम कभी भी उनको यूज नहीं कर सकते, कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, जैसे सेंटेंस में आपको बोलता हूँ
ही गेव मी 200 रुपीज नोट. एक सेकेंड, कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम, तो एक बार फिर से मैं ट्राई करते हैं. ही गेव मी 200 रुपीज नोट. यहाँ पे जो हमारा रुपीज वर्ड है जिसका हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, इसकी जगह जो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इस वर्ड की वजह से पूरा गलत हो जाएगा. इसकी जगह में जहाँ पे ये प्लूरल में यूज किया गया, इस वर्ड को हम कभी प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, इसका सिंगुलर वर्ड यूज होगा. तो इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स. ठीक है, इसके बाद जो हम यूज करने वाले एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल जो बोल रहा था अभी, ही लिव्स इन यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे स्टार का स्टार सारा चाहिए, क्योंकि 1 से सिंगुलर से जब भी ज्यादा ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप सिंगुलर की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं. तो स्टार्स बिल्कुल ठीक है कि ही लिव्स इन 5 स्टार्स होटल, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब हम इसको यूज करके देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्स का क्या हो जाएगा, स्टार्स हम यूज नहीं कर सकते, स्टार्स को हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा. वो क्या होगा, स्टार फॉर्म. मीन्स इस सेंटेंस को हम क्या लिख देंगे, ही लिव्स इन 5 स्टार होटल. इसके बाद हम नाउन को अलग क्लास, जो कल हम आगे टॉपिक करने वाले हैं, नाउन वाला टॉपिक हमारा लगभग 3 या 4 दिन का टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे इनको सभी टॉपिक्स को ऐसे क्लियर कर लेंगे. अगर आप डेली की डेली वीडियोस को हमारे वीडियोस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते रहे, जो हम करवा रहे सिर्फ उतना ही पढ़िए, जो नोट्स हम बनवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दीज नोट्स, अगर आप इनको डेली अपनी नोटबुक में कवर करते रहेंगे तो आपका सारा सिलेबस इंग्लिश की जो भी क्लासेज है वो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. जैसे कि अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें लगभग 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश के होंगे, तो उन सिलेबस को कवर करने के लिए आपको सिर्फ हमारी क्लासेस देखनी है. और लगभग जब भी ये एग्जाम आएगा तो हम इसको 22 to 23 डेज के अंदर ही पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे. तो नाउन जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि नाउन के 5 पार्ट्स हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन. फिर हमने नाउन के 2 पार्ट्स और पढ़ेंगे, प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना. उसके बाद नाउन को हम पढ़ेंगे मैस्कुलाइन, मीन्स उसको नाउन को किस में चेंज करेंगे हम, जेंडर के अकॉर्डिंग. तो पहले मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, एक न्यूट्रल होता है, क्या होता है इसका, कॉमन होगा बीच में, कॉमन और न्यूट्रल, इसका नाम है भूल जाता हूं बार बार, तो इसका न्यूट्रल और इसका कॉमन. अब ये नाम से पता चल रहा है, मसल्स मस्कुलर, मस्कुलाइन क्या होगा, मेल सेक्स से रिलेटेड, फेमिनाइन फीमेल से, तो फीमेल सेक्स. कॉमन क्या हो गया, जो दोनों सेक्स के लिए सिंपल यूज किया जाए, जो वर्ड्स बोथ सेक्स के लिए यूज किए जाए उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर नाउन. और न्यूट्रल क्या हो गया, न्यूट्रल में मतलब न्यूट्रल मतलब ना तो वो मेल सेक्स है ना वो फीमेल है, ना मेल है वो ना फीमेल है, उसके लिए क्या बोलेंगे, इट डज नॉट डिफाइन एनी सेक्स, एनी सेक्स नॉट डिफाइंड. या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. मीन जिन जेंडर वर्ड्स का यूज न्यूट्रल, न्यूट्रल का काफी यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि ये किसी भी टाइप के सेक्स को डिफाइन नहीं करता है. और इसके बाद जो हमारे नाउन के लास्ट डिस्कस करने वाले हैं, इन 4 क्लासेस के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा,
द नाउन केस मीन्स यहाँ पे नाउन के फिर से चार पार्ट्स होंगे, पहले हमने पांच पार्ट्स पढ़े, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव, डेटिव, यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉसेसिव, डेटिव और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा पांच पार्ट्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और पांचवा हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फिर हमने नाउन को सिंगुलर या प्लुरल नंबर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर दिया था, दो थे क्या, सिंगुलर और प्लुरल, जिसके हमारे यहाँ पे क्या हो गया लगभग 23 रूल्स में आपको बताऊंगा जहाँ से आप उनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगुलर से प्लुरल के अंदर। फिर हमने नाउन के बारे में पढ़ा, अभी जो चार पार्ट्स पढ़े थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और दो पार्ट्स और थे जहाँ पे एक न्यूट्रल था एक कॉमन था। और अब नाउन के लास्ट जो हमने नाउन के केसेस करने, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, पोसेसिव नाउन और डेटिव नाउन, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स के साथ इसके कुछ रूल्स है, जैसे पोसेसिव नाउन्स के लगभग हम आपको 7 to 8 रूल्स यहाँ पे करवाने वाले हैं, और इनके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम जैसे हमारे टॉपिक क्लियर होता है, जैसे जैसे हमारे सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे, हम उनके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे कुछ नोट्स हम अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ पे हम आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से हम डायरेक्टली आप सभी नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा कि आप एग्जाम की तैयारी आसानी से कर पाएंगे वहाँ पे। तो हम सभी टॉपिक्स कर लेते हैं एक बार, हम यहाँ पे पहले हम आपको नाउन करवाएंगे, जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हैं पहले वो करवाने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन करवाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, टेंस, वॉइस, और फिर जो ये तो हमारे से मेन टॉपिक्स जो हम यहाँ पे पहले कवर करवाने वाले, उसके बाद ये लेटर राइटिंग वगैरह वो सब कुछ उसके अंदर कुछ आएगा, ये सब कुछ है जो आपको डायरेक्टली रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग याद करने हैं। और कुछ जो हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनको आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं, सिंगुलर प्लुरल जो इसके अंदर आ जाएंगे, मेल का फीमेल कन्वर्ट करना, मैस्कुलिन फेमिनिन, जेंडर्स इसमें आ जाएंगे, आपका एक रह जाएगा साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, साइनोनियम एंटोनियम्स भी हम आपको सिर्फ सिलेक्टेड करवाने वाले हैं, सिलेक्टेड जो जो हम करवाएंगे सिर्फ आप वो करिए, उसके बाद आपका सिलेबस उससे कवर हो जाएगा, बाकी आप जो जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं उनको आप अपने नोट्स उसी अकॉर्डिंग बनाते रहिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए,